आप सुन रहे हैं ऑथर मुकेश झा की लिखी हुई कहानी दोनों मिले इस तरह, मेरे आने विधि के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। और अब भाग दो। श्रुति पूछती है, क्या आप रो रहे हैं? वीर बोले, अरे नहीं नहीं, वो आंखों में कुछ चला गया था। श्रुति मन में सोचते हुए बोली, कुछ तो बात है जो ये सब से छुपा रहे हैं। लगभग 3 घंटे बाद वीर एक ढाबे के पास गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि एक पहिया पंक्चर हो गया। इसी बीच देव जी और श्रुति भी गाड़ी से बाहर आते हैं और पहिया पंक्चर देखकर देव जी थोड़े परेशान हो जाते हैं। वीर बोला, मालिक आप लोग यहीं रुकिए, मैं एक ढाबा है, मैं देखकर आता हूँ, कोई मैकेनिक हुआ तो लेकर आऊंगा। देव जी सिर्फ अपना सर हिलाते हैं और वीर वहां से चला जाता है। अब तक बाकी सब भी गाड़ी से बाहर आ गए थे। फिर कुछ देर बाद वीर वापस आता है और कहता है कि कोई मैकेनिक तो यहाँ पर आसपास है नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, जाकर तब तक चाय पीजिए, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। ये कहकर वीर गाड़ी से टूल बॉक्स और स्टेफनी निकालता है और बाकी सब ढाबे की तरफ चले गए थे, सिर्फ श्रुति को छोड़कर, और नयन गाड़ी में ही सो रहा था। वीर सिगरेट पीते हुए बाकी सामान लेकर आता है। बोला, आप नहीं गए चाय पीने? श्रुति बोली, जी नहीं। वीर सिगरेट श्रुति की तरफ बढ़ा देता है और श्रुति भी सिगरेट पीने लगती है। बोले, एक बात पूछूं आपसे? वीर, जी पूछिए, आप हैं कौन? जी, ड्राइवर। श्रुति बोली, आप झूठ बोल रहे हैं। वीर मुस्कुरा दिया, छोड़िए इन बातों को। श्रुति बोली, पर आप बोली तो सही, क्योंकि आप ड्राइवर तो नहीं हो सकते। वीर बोला, अरे मालकिन रहने दीजिए, इन सब बातों में क्या रखा है। फिर दोनों के बीच खामोशी पसर जाती है और इसी बीच नयन गाड़ी से बाहर आकर बोला, भैया हम यहाँ क्यों रुके हैं? श्रुति बोली, बेटा गाड़ी पंक्चर हो गई है। नयन, और बाकी सब कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? श्रुति, बेटा आप सो रहे थे ना, तो सब चाय पीने गए हैं। नयन बोला, दीदी आप नहीं गए, आप तो चाय पीने के लिए कभी मना नहीं करते। श्रुति बोली, वो बस बेटा मन नहीं कर रहा था। नयन बोला, भैया हम घर कब तक पहुंचेंगे? हमें सबसे मिलना है, बड़े पापा, बड़ी माँ, दोनों दीदी, चाचू चाची, सबसे मिलना है। वीर कुछ सोचते हुए जवाब नहीं देता। नयन बोला, भैया बताइए ना कब तक पहुंचेंगे? वीर, बेटा थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। नयन बोला, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा, सबसे पहली बार मिलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। इसी बीच बाकी सभी वापस आ जाते हैं और वीर भी तब तक पहिया बदल चुका होता है। इसी बीच देव का फोन बजता है। देव, जी भैया। बड़े साहब बोले, कहाँ पहुंचे आप लोग और कितना टाइम लगेगा? देव, भैया वो बीच में गाड़ी पंक्चर हो गई थी ना, बस निकल रहे हैं यहाँ से, अब देखते हैं ड्राइवर साहब कब तक पहुंचाते हैं हमें घर तक। वीर, मालिक 4:30 तक पहुंच जाएंगे। देव बोले, भैया ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि 4:30 तक पहुंच जाएंगे। बड़े साहब, ठीक है आराम से आइए आप लोग। देव, जी भैया। और फोन कट जाता है। वीर अपने हाथ धोता है और बाकी सब सामान गाड़ी में रखकर वापस ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और बाकी सब भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी फिर से अपनी रफ्तार पर निकल पड़ती है। पीछे बाकी सब अपनी बातों में लगे हैं और वीर अपने ख्यालों में खोया हुआ गाड़ी चला रहा है। 4 बजे के आसपास गाड़ियों की कतार लगी है और वीर भी गाड़ी रोक देता है। देव, क्या हुआ ड्राइवर साहब, इस वक्त यहाँ पर जाम कैसा? वीर बोला, मैं देखता हूँ मालिक, आप सब अंदर ही बैठे रहिए। वीर गाड़ी से उतरकर बाहर आता है और लगभग 20 गाड़ियों के बाद देखता है कि 2 ट्रक वाले आपस में लड़ रहे हैं और उन दोनों के ट्रक ने पूरे रास्ते को जाम कर रखा है। वीर उनके पास जैसे ही पहुंचता है दोनों चुप हो जाते हैं और सर झुकाकर पहले प्रणाम करते हैं। वीर बोला, क्या बात है? ट्रक वाला, मालिक इसने हमारे ट्रक में टक्कर मारी है। दूसरा ट्रक वाला, नहीं मालिक इसने मारी है। वीर दोनों को कुछ देर तक सुनने के बाद गुस्से में बोला, जिसकी भी गलती है, पहली बात तो ये कि तुम दोनों की वजह से देखो कितना लंबा जाम लग गया और लोगों को तुम दोनों की वजह से कितनी परेशानी हो रही है, दिख रहा है तुम दोनों को, सुबह सुबह इतना लंबा जाम लगवा दिया है, कभी तो दिमाग से काम लिया करो ना। दोनों दोनों जब नजरें उठाकर देखते हैं तो खामोश हो जाते हैं। फिर वीर दोनों को समझा बुझाकर अपनी ट्रक को साइड करने को बोलता है। दोनों शर्मिंदा होकर क्षमा मांगते हैं और अपनी गाड़ी साइड करते हैं और वीर भी उधर से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। इसी बीच रास्ते में कई लोग आते हैं और वीर को प्रणाम करते हुए जाते हैं और श्रुति बड़े गौर से देख रही है। वीर गाड़ी के पास पहुंचते हैं और तब तक जाम भी खत्म हो चुका होता है। देव, क्या हो गया था ड्राइवर साहब? वीर बोला, वो कुछ नहीं मालिक, 2 ट्रक ड्राइवर आपस में लड़ रहे थे और रोड के बीच में दोनों ने ट्रक खड़ा कर दिया था। देव, ये लोग भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। तब तक लगभग 5 बज चुके होते हैं।
सभी गाड़ी से बाहर देखते हैं और सुबह की ठंडी हवा सबको खुश कर देती है और ऊपर से सूरज की लालिमा देखने लायक थी। देव बोले, कितने साल बीत गए हैं गांव की ठंडी हवा में सांस लिए, तरस गए थे इस हवा को अपने चेहरे पर एहसास करने के लिए। रीमा बोली, इसमें क्या रखा है, पता नहीं आपको गांव से इतना प्यार क्यों है, हमें तो कुछ खास नहीं दिखता। राजीव, मम्मी देखो कितनी सुंदर सुबह है गांव की, और आप कहते हो उसमें क्या खास बात है। रीमा बोले, मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा इसमें, और क्या खास हो गया इस गांव में, बिजली होगी नहीं, सिर्फ सड़कें बना देने से क्या होगा, गंदगी तो उतनी होगी और लोग भी वैसे होंगे, इलिटरेट। राजीव बोला, मम्मी आप पहले क्यों जज कर रहे हो। देव, अच्छा छोड़ो इन बातों को, बस इस सुबह में जियो और सब बाहर की दुनिया में खो जाते हैं। दोनों तरफ जहां नजरें जाएं वहां खेती खेत, सड़कें दोनों तरफ से साफ, गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं। वो पंछियों का झुंड अपने खाने की तलाश में जाते हुए किसान कंधे पर हल रखकर अपने खेतों की तरफ जाते हैं। सब खुश हैं और गांव के वातावरण में खोए हुए हैं। गाड़ी भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और वीर इन सब की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा है। इसी बीच देव का फोन बजता है। बड़े साहब बोले, देव कहां इतने लेट हो गए आप लोग। देव, भैया बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। इसी बीच वीर कहता है, मालिक बड़े साहब से कहिए हम लोग 10 मिनट में पहुंच जाएंगे घर पर। बड़े साहब, ठीक है आप लोग पहुंचिए, और फोन कट जाता है। इसी बीच गाड़ी एक बड़े से बाजार से निकलती है जहां पर कुछ दुकानें खुली हैं और देव बाजार को बड़े गौर से देखते हैं और फिर वीर से पूछते हैं, ड्राइवर साहब एक बात बताइए, वो लालू हलवाई की दुकान थी अभी है ना, और वो रामपाल के समोसे की दुकान, और वो चाट भंडार। वीर बोले, जी मालिक वो दुकानें अभी भी हैं। देव जी बोले, पता है आप लोगों को जब आप समोसे खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे, पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, और रसगुल्ले बस पूछिए मत। और इन बातों के बीच वो लोग बाजार से निकल चुके होते हैं। अब कुछ बस्तियों से होते हुए ये लोग एक बड़ी सी हवेली के बाहर रुकते हैं। वीर के हॉर्न बजाने पर गेट खुलता है और वीर गाड़ी अंदर ले जाते हैं। गाड़ी जैसे ही अंदर जाती है गार्ड वीर को प्रणाम करते हैं और वीर भी सर हिला देता है, और गाड़ी की आवाज सुनकर सब घर से बाहर दालान की तरफ आते हैं। सबके बाहर आ जाने के बाद वीर घर के अंदर चला जाता है और बाकी नौकर सामान गाड़ी से उतार कर अंदर रखने लग जाते हैं। श्रुति सिर्फ ये देख पाती है और सोचती है कि ड्राइवर ऐसे घर के अंदर तो नहीं जाएगा, मतलब मेरा शक सही है, ये ड्राइवर नहीं है घर के कोई सदस्य है, पर है कौन, क्योंकि अंकल यानी देव जी ने कई बार अपने घर और बाकी सबके बारे में बताया पर इनके बारे में आज तक कोई बात नहीं हुई। इसी बीच बड़े साहब किशन प्रताप सिंह देव से आकर गले मिलते हैं। दोनों की आंखें नम हैं और सब इसे बड़े गौर से देख रहे हैं।